हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लश्कर साफोर में। तो चलिए इस वीडियो में आज बात करते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड एएलपीएन टेक्नीशियन सीएन संख्या 1/2018 आरआरबी कोलकाता से कट ऑफ जारी हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे कि ओबीसी का कट ऑफ योर से बहुत ज़्यादा क्यों चला गया, इसका पूरा एनालिसिस हम लोग देखेंगे इस वीडियो में और जानेंगे यहाँ से कितना कट ऑफ डिक्रीज हुआ। तो चलिए, इसके लिए ऑफिशियल यहाँ से कट ऑफ जारी हो चुका है। बहुत ही प्रेशर के बाद, कैंडिडेट के प्रेशर के बाद ऑफिशियल यहाँ से कट ऑफ जारी कर दिया आरआरबी कोलकाता ने। तो चलिए देखते हैं हम लोग कट ऑफ को। चलिए, इससे पहले चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वेटिंग से रिलेटेड हर तरह के अपडेट को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, पेन कट ऑफ को देखिए। यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड कोलकाता, और यहाँ से देख लीजिए शुरू से हम लोग देखते जाएंगे। यहाँ से देख लीजिए असिस्टेंट लोको पायलट का है, यहाँ पर देख लीजिए यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, और यहाँ पर इधर ये विकलांग कोटा वाले है ये सब। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से ईआर और एससीआर दोनों का यहाँ पर कट ऑफ इसमें जारी किया गया है। इसमें मेन पैनल और लास्ट पैनल, इसमें दोनों कट ऑफ इसमें दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग कि यहाँ से हम लोग देखेंगे टेक्नीशियन का। तो यहाँ से देखिए 4 नंबर कॉलम से यहाँ से टेक्नीशियन का स्टार्ट, जो कि ये सारा सीट एनईसी चला गया। यहाँ से कोई भी कैंडिडेट इसको नहीं मिला है, या नॉन एलिजिबल कैंडिडेट इसको यहाँ पर घोषित किया, इसमें कोई भी कैंडिडेट इसको नहीं मिला है। उसका 5 नंबर भी सारा सीट यहाँ से ओबीसी, यहाँ से एनईसी चला गया है, यूआरएस, एसटी, ओबीसी, ये एक्स सर्विसमैन सभी यहाँ से एनईसी चला गया है। उसका 7 नंबर कॉलम भी देखेंगे, यहाँ पर भी सारा सीट यहाँ से एनईसी चला गया है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर यहाँ से एससीआर से, यहाँ से भी सारा सीट यहाँ से एनईसी चला गया है। उसके बाद 14 नंबर कैटेगरी में देखेंगे ईस्टर्न रेलवे से, इंजीनियरिंग ब्रिज से, इसमें यहाँ पर देखेंगे मेन पैनल नीचे वाला है, उसके बाद लास्ट पैनल यहाँ पर जारी किया गया है। यानी मेन पैनल ये रिप्लेसमेंट के पहले, यानी ये 70 के पहले भी जो एक रिप्लेसमेंट आया था, उसके पहले भी जो कट ऑफ था, वही कट ऑफ यहाँ पर मेन कट ऑफ दिया गया है। उसके बाद लास्ट कट ऑफ जो अभी जो पैनल आया है, उसमें यह कट ऑफ दिया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि और ये जितना खाली देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट में इसका पैनल नहीं इसमें जारी किया गया है, जो है ये मेन कट ऑफ ही रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें बाद में कोई पैनल नहीं आया है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ से इसका कट ऑफ जो डिक्रीज हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मेन पैनल में यहाँ पर 60 पॉइंट इतना था 2-1, उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ डिक्रीज होकर यहाँ पर 49.14 यहाँ पर हुआ है इसका, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर कैटेगरी में टेक्नीशियन ग्रेड थर कारपेंटर का, यहाँ पर ईस्टर्न से यहाँ देखेंगे लास्ट यहाँ पर मेन पैनल है और ये लास्ट पैनल, यानी ये सारा सीट यहाँ से एनईसी चला गया है, यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट इसको नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी नंबर 18 से, यहाँ से देखेंगे हम 18 नंबर कैटेगरी से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कारपेंटर, यहाँ से एससीआर से, इसमें भी सीट यहाँ से यहाँ पर लास्ट में कोई भी यहाँ पर पैनल नहीं जारी किया गया, सारा सीट यहाँ से एनईसी चला गया है, कोई भी कैंडिडेट इसको नहीं मिला है। मांग तो हुआ था लास्ट पैनल में, लेकिन यहाँ देख सकते हैं यूआर का कोई कैंडिडेट नहीं मिला है, और एसटी का भी कोई कैंडिडेट नहीं मिला है, और एससी और ओबीसी का कोई भी मांग इसमें नहीं किया गया था लास्ट पैनल में। उसके बाद मेन पैनल भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर यूआर में एनईसी चला गया था, और यहाँ पर ओबीसी में इसको कैंडिडेट मिला था, यहाँ पर इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ, ये बहुत ही मिनिमम कट ऑफ है कारपेंटर का, तो यहाँ पर देख लीजिए आप। और उसके बाद कैटेगरी नंबर 19 में देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कारपेंटर, यहाँ पर ये मैकेनिकल कैरिज एंड वैगन ईआर, इसमें यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी ये सारा यहाँ पर लास्ट में एनईसी सीट चला गया है। उसके बाद मेन पैनल में भी देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी का ही कैंडिडेट यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर इसमें पैनल दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पर ये सारा सीट एनईसी चला गया है। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर कैटेगरी में देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कारपेंटर वर्कशॉप में, इसमें यहाँ पर मैकेनिकल वर्कशॉप ईस्टर्न से, यहाँ पर देखेंगे टोटल यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से देखिए कि मेन पैनल जो था इसमें 45 पॉइंट इतना था, और यहाँ पर ओबीसी का इतना कट ऑफ था। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कोई भी पैनल नहीं इसमें जारी किया गया है, इसमें मांग ही नहीं किया गया था, इसीलिए इसको ये कॉलम जो खाली देख रहे हैं आप, ये बाद में कोई भी पैनल नहीं इसमें जारी नहीं किया गया है। उसके बाद एसटी का मांग तो हुआ था, लेकिन एनईसी चला गया है, और एक्स सर्विस में भी एनईसी चला गया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 25 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें, इसमें यहाँ पर देख लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कैरिज एंड वैगन, जो कि बहुत ही अच्छा खासा इसमें पैनल आया था फ्रेंड, इसमें 84 कैंडिडेट का इसमें पैनल जारी हुआ था यहाँ से ईस्टर्न से। और इसके बाद देख सकते हैं इसमें कि कितना कट ऑफ, यहाँ पर बहुत ही कट ऑफ इसमें डिक्रीज हो चुका है मेन पैनल के तुलना में लास्ट पैनल में। यहाँ पर देखिए ये मेन पैनल है 53
पॉइंट ये 6-2 इसमें है, और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट पैनल यहाँ पर 45.53275। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अब OBC का कट ऑफ पर अगर नज़र डालिएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर UR का कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं कि 48.91 यहाँ पर है, और यहाँ पर 45.53 इसके देख सकते हैं कितना कट ऑफ यहाँ पर OBC की तुलना में UR का कम हो चुका है फ्रेंड्स। ये बहुत ही बड़ा भारी संख्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना 2 मार्क्स से ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कट ऑफ जो डिक्रीज हुआ है यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा कट ऑफ इसमें देख सकते हैं, क्योंकि OBC का मांग ही नहीं किया गया था इसमें, कोई भी कैंडिडेट इसमें OBC का नहीं है। 25 नंबर कैटेगरी में जो 84 का पैनल आया था उसमें देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ UR का ही इसमें डिमांड किया गया था, इसीलिए ये जितना भी OBC का कैंडिडेट था जो कि CBT1 में UR में क्वालिफाई किया था, उन सारे कैंडिडेट को UR में भेज दिया गया, और UR का जो डिमांड आया बहुत अच्छा खासा, इसके कारण यहाँ पर कट ऑफ डिक्रीज होकर यहाँ पर 45 यानी लगभग 45.5 के जस्ट कुछ ज़्यादा यहाँ पर देखिए मार्क्स यहाँ पर हो चुका है, और OBC का कोई डिमांड नहीं होने के कारण देख सकते हैं यहाँ पर 48 के वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर पैनल से बाहर है, और यहाँ पर 45.5 के आसपास लगभग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इम्पैनल्ड हो चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए। और कहा गया कि इसमें कोई डिमांड ही नहीं हमको भेजा गया है, इसमें कोई भी डिमांड नहीं था, 25 नंबर कैटेगरी में OBC का कोई भी डिमांड नहीं था, सिर्फ UR का ही डिमांड था उसको, इसीलिए यहाँ देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर नंबर में डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं 45 कहाँ और यहाँ पर 48, तो यहाँ पर OBC की वालों के साथ अन्याय हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 25 नंबर कैटेगरी यहाँ पर देख लीजिए कैरिजन बैगन, इसमें यहाँ पर ये सॉरी 25 नंबर या SER से देखिएगा यहाँ पर, तो ये मेन पैनल के बाद इसमें कोई भी मांग इसमें नहीं किया गया था, ये सारे यहाँ पर इसमें SER से कोई भी मांग नहीं किया गया था 25 नंबर कैटेगरी से, ये खाली वाला कॉलम जो देख रहे हैं ये बाद में कोई भी मांग नहीं किया गया था उसके, ये सिर्फ मेन पैनल में ही इसको भरा गया है। उसके बाद 26 नंबर कैटेगरी में यहाँ देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पर मेन पैनल में ही दिया गया है, उसके बाद कोई डिमांड नहीं हुआ इसका। उसके बाद यहाँ 26 नंबर SER से यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्शन यूनिट से यहाँ पर देखेंगे, इसमें भी मेन पैनल से ही जारी किया गया है, उसके बाद इसमें बाद में कोई भी इसमें मांग नहीं हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग यहाँ पर 26 नंबर कैटेगरी में अगर बात करें यहाँ से, यहाँ पर देख लीजिए इसमें भी लास्ट मेन पैनल में आया है, उसके बाद लास्ट पैनल में कोई भी इसमें डिमांड नहीं किया गया लास्ट में, फिर बाद में। उसके बाद 26 नंबर यहाँ पर देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd क्रेन ड्राइवर, इसमें भी यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में कोई भी इसमें भी डिमांड नहीं इसमें भेजा गया था, यहाँ पर मेन पैनल से ही इसको सिर्फ भरा गया है। उसके बाद 27 नंबर कैटेगरी में देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd कैरिजन वैगन, इसमें यहाँ पर क्रेन ड्राइवर, इसमें भी देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिकल TRS, इसमें भी देखेंगे यहाँ पर लास्ट में कोई भी पैनल इसमें यहाँ पर इसको डिमांड नहीं भेजा गया था, उसके बाद मेन पैनल से ही इसको यहाँ पर सिर्फ भरा गया है। उसके बाद 28 नंबर कैटेगरी में देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd क्रेन ड्राइवर, इसमें भी देखेंगे इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप ईस्टर्न से यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि यहाँ से OBC का कट ऑफ देख लीजिए, बहुत ही मिनिमम कट ऑफ है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर ये मेन पैनल वाले हैं ये सब। उसके बाद यहाँ 30 नंबर में देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd क्रेन ड्राइवर, इसमें मैकेनिकल वर्कशॉप में, इसमें भी यहाँ पर मेन पैनल से ही इसमें सिर्फ डिमांड भरा गया है, उसके बाद में कोई भी डिमांड नहीं इसमें भेजा गया है। उसके बाद 30 नंबर कैटेगरी में देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd क्रेन ड्राइवर मैकेनिकल वर्कशॉप SER से, इसमें भी लास्ट में कोई भी इसमें डिमांड नहीं भेजा गया था, ये सिर्फ मेन पैनल से ही इसको भरा गया था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर कैटेगरी में टेक्नीशियन ग्रेड 3rd इसमें डीजल इलेक्ट्रिकल, इसमें मैकेनिकल डीजल सेट में इसमें देखेंगे टोटल अगर बात करें यहाँ से सिर्फ OBC का यहाँ पर डिमांड भेजा गया था फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर सिर्फ UR का ही यहाँ पर डिमांड भेजा गया था, उसके बाद यहाँ पर मेन पैनल से ही ये सबको भरा गया, ये सब यहाँ पर बाद में कोई भी डिमांड नहीं भेजा गया था OBC SC ST के लिए, और यहाँ पर एक्सेप्टेशन में कोई भी बाद में डिमांड नहीं गया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग 31 नंबर कैटेगरी में यहाँ पर देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd डीजल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डीजल सेट, इसमें SER से इसमें देखेंगे मेन पैनल से ही इसमें सिर्फ भरा गया, उसके बाद में कोई भी इसमें डिमांड नहीं किया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 33 नंबर कैटेगरी में टेक्नीशियन ग्रेड 3rd डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में मैकेनिकल वर्कशॉप SER से, यहाँ से भी देखेंगे अगर यहाँ तो सिर्फ मेन
ये पैनल से ही इसको भरा गया है, उसके बाद में कोई भी इसमें डिमांड नहीं गया है फ्रेंड्स। उसके बाद 34 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स कि 34 नंबर कैटेगरी से यहाँ पर देखिए मैन पैनल में यहाँ पर देख लीजिए कट ऑफ, उसके बाद यहाँ पर SC और ST और OBC का बाद में कोई भी डिमांड इसमें नहीं गया है फ्रेंड्स। यहाँ देख लीजिए ये खाली जो कॉलम है देख रहे हैं, ये बाद में इसमें कोई भी इसमें पैनल नहीं आया है, ये मैन पैनल से ही इसका भरा गया है सिर्फ। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैन पैनल लास्ट पैनल कितना कट ऑफ डिक्रीज हुआ है UR में, यहाँ पर 57 है, यहाँ पर 51 है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 34 नंबर कैटेगरी में टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल, इसमें अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए आप कि यहाँ पर 53 देखिए कट ऑफ OBC का है, यहाँ पर 55 है, तो इसमें अच्छा खासा इसमें यहाँ पर सिर्फ मैन पैनल से ही आया है, लास्ट में कोई पैनल इसमें डिमांड नहीं की भेजा गया था। उसके बाद 35 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर देख लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड था डीजल मैकेनिकल, यहाँ पर देख लीजिए मैकेनिकल डीजल सेट ERC, इसमें यहाँ पर देख लीजिए यहाँ सिर्फ ये SC का ही बाद में सिर्फ ये डिमांड गया था, उसके बाद यहाँ पर डिमांड या रिप्लेसमेंट आया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैन पैनल से ही सबको भरा गया है, बाद में या एडिशनल या रिप्लेसमेंट में कोई भी इसमें डिमांड नहीं आया है। उसके बाद 35 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से टेक्नीशियन ग्रेड थर डीजल मैकेनिकल, इसमें यहाँ पर देखें SCRC, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स कि लास्ट में यहाँ पर कट ऑफ जो यहाँ पर ये बाद में कोई भी इसमें डिमांड नहीं भेजा गया था एडिशनल या रिप्लेसमेंट में, ये सिर्फ मैन पैनल से ही इसको भरा गया है, और इसमें यहाँ पर SC ST का मैन पैनल में भी इसको डिमांड कुछ नहीं था यहाँ पर। उसके बाद 37 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, 37 नंबर कैटेगरी में टेक्नीशियन ग्रेड था डीजल मैकेनिकल में, यहाँ पर देख लीजिए मैन पैनल का ये कट ऑफ है नीचे वाला, उसके बाद लास्ट कट ऑफ देखिए यहाँ पर, यहाँ पर मैन पैनल देखिए 69 है, और इसके बाद यहाँ 50, ये बहुत ही घट के हो गया था, ये मार्क्स बहुत घटा है यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि OBC का कट ऑफ यहाँ पर 55 है, 55.74, और यहाँ पर देख लीजिए ये UR का कट ऑफ है यहाँ पर देख सकते हैं 50.92, यहाँ पर यानी बहुत ही अच्छा खासा यानी भारी संख्या में यहाँ पर कट ऑफ इसका OBC की तुलना में UR का कम हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इसका कट ऑफ 50.992 और यहाँ पर 55.74, यहाँ पर देख लीजिए अच्छा खासा यहाँ पर इसमें भी डिक्रीज हुआ है, ये UR की तुलना में OBC का बहुत ही कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ क्योंकि यहाँ से इस सारी कैटेगरी से सिर्फ UR का ही डिमांड भेजा गया है, इसीलिए इसका कट ऑफ बहुत ही डिक्रीज यहाँ पर हो गया, और OBC का कट ऑफ जहाँ का जहाँ वहीं पर रह गया जो मैन पैनल का था लगभग, उससे कुछ डिक्रीज हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, डिक्रीज तो हुआ है लेकिन ये बाद में कोई इसके डिमांड नहीं हुआ इसके यहाँ पर। इसके बाद देख लीजिए 37 नंबर कैटेगरी में SCR से देखेंगे, यहाँ पर इसमें कोई भी डिमांड बाद में नहीं भेजा गया था, ये मेन पैनल के बाद यहाँ पर कोई भी एडिशनल रिप्लेसमेंट नहीं इसमें डिमांड भेजा गया था। उसके बाद 39 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ पर भी मेन पैनल में सिर्फ UR का डिमांड गया था, उसके बाद यहाँ पर इसमें कोई भी डिमांड नहीं गया था स्पीड एडिशनल और रिप्लेसमेंट में। उसके बाद 41 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ देख लीजिए नीचे वाला, ये मेन पैनल है, ये लास्ट पैनल जो आया है। उसके बाद यहाँ पर 44 नंबर कैटेगरी इसमें इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें भी देखेंगे यहाँ पर ये मेन पैनल ही देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे वाला है, उसके बाद ऊपर वाला ये लास्ट पैनल है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 44 नंबर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ देख लीजिए SCR से यहाँ पर लास्ट में कोई पैनल इसमें एडिशनल या रिप्लेसमेंट से कोई भी डिमांड नहीं गया, ये सिर्फ मेन पैनल से इसको भरा गया है फ्रेंड्स। उसके बाद देख सकते हैं 47 नंबर कैटेगरी ये ग्रेड थर इलेक्ट्रिकल पावर में, इसमें जनरल सर्विसेज CR में यहाँ पर भी सिर्फ UR का ही बाद में एडिशनल रिप्लेसमेंट आया है, उसके बाद यहाँ पर बाद में कोई भी ये SC ST OBC का इसमें कोई भी डिमांड नहीं गया है, उसके बाद यहाँ पर मैन पैनल से इसको भरा गया है। उसके बाद यहाँ पर NEC भी सीट चला गया है, देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा एक सर्विस मैन का भी NEC ही सीट चला गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 47 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल पावर में, इसमें SCR से देखेंगे अगर यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर अच्छा खासा देखिए इसमें कट ऑफ देखिए डिक्रीज हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लीजिए ये नीचे वाला मेन पैनल है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए UR का कट ऑफ अभी लास्ट पैनल में अगर कहा जाए तो यहाँ इसकी अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर देख लीजिए 52.82 और उसके बाद 55.13 यहाँ पर देखिए OBC का, इसमें भी अच्छा खासा इसमें
ओबीसी की तुलना में यूआर का कट ऑफ यहाँ पर कम हुआ है, देख सकते हैं, क्योंकि इस सब कैटेगरी से यहाँ से सिर्फ यूआर का ही डिमांड भेजा गया था, ओबीसी का कोई डिमांड यहाँ से नहीं था फ्रेंड। इसीलिए ओबीसी का कैंडिडेट भी जो सीबीटी वन में क्वालिफाई किया था जनरल से, उसको जनरल में क्वालिफाई इसमें भेज दिया गया है, जो कि भारी संख्या में इसमें डिमांड होने के कारण कट ऑफ डिक्रीज हो गया है और ओबीसी का कट ऑफ वहीं पर रह गया है जो पहले था, देख सकते हैं। और यहाँ पर 49 नंबर कैटेगरी का बात की इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज एससीआर में देख लीजिए यहाँ पर, तो इसमें भी कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि लास्ट पैनल जो जारी हुआ है यहाँ पर 56.34 और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यूआर का कट ऑफ देख लीजिए 53.72, इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा अंक का डिफरेंस है फ्रेंड, देख सकते हैं आप लगभग 2.5-3 नंबर का इसमें डिफरेंस है, देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यानी इस सारी कैटेगरी से जो है यूआर का ही डिमांड भेजा गया था फ्रेंड्स, जिसके कारण इसका कट ऑफ डाउन हो गया और ओबीसी का इसमें कोई भी डिमांड नहीं भेजा गया था। उसके बाद 49 नंबर कैटेगरी अगर बात करें यहाँ से टेक्नीशियन ग्रेड था इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग में, इसमें अगर यहाँ पर एससीआर से अगर बात करें यहाँ से, इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ भी कट ऑफ इसमें ओबीसी का देख सकते हैं यहाँ पर 54 है और यहाँ पर यूआर का यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स 53.28 है, यानी इसमें भी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी की कट ऑफ से यहाँ से जनरल का यहाँ पर कम हुआ है कट ऑफ। और यहाँ पर ये लास्ट पैनल है, उसके बाद मेन पैनल ये नीचे वाला है। उसके बाद 52 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थल इलेक्ट्रिकल टीआरडी ओएची, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी कट ऑफ पॉइंट में इसमें कम हुआ है, यहाँ पर पॉइंट में इसमें भी कट ऑफ कम हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर 54.54 और यहाँ पर देख लीजिए 54.02, इसमें भी कट ऑफ यहाँ पर यूआर का कट ऑफ कम हुआ है फ्रेंड्स यहाँ 52 नंबर कैटेगरी में। यानी बहुत सारे कैटेगरी ऐसे हैं जो कि ओबीसी की तुलना में यूआर का कट ऑफ बहुत ही कम हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड था इलेक्ट्रिकल टीआरडी ओएची, इसमें भी देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स ये 54.818 यहाँ पर देखेंगे यूआर का कट ऑफ, अगर यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर 52.57, यानी इसमें भी कट ऑफ यहाँ पर देखिए बहुत डाउन हुआ है ओबीसी की तुलना में जनरल का। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देख लीजिए 54.18 यहाँ पर 52.57, ये लास्ट पैनल है, देख सकते हैं इसको मिलान कर लीजिएगा फ्रेंड्स बढ़िया से। और उसके बाद यहाँ से 53 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से टेक्नीशियन ग्रेड था इलेक्ट्रिकल टीआरडी ओएची, इसमें भी यहाँ पर देख लीजिए सिर्फ एडिशनल रिप्लेसमेंट में सिर्फ बाद में ये यूआर का ही डिमांड हुआ है, एससी एसटी ओबीसी का कोई भी डिमांड इसमें बाद में नहीं भेजा गया था फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 53 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल टीआरडी पीएसआई, इसमें अगर बात करें यहाँ से, इसमें भी बाद में कोई भी डिमांड नहीं भेजा गया है, सिर्फ ये मेन पैनल से भरा गया है, सिर्फ यूआर का इसमें डिमांड भेजा गया था फ्रेंड्स। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से अगर बात करें ये 54 नंबर कैटेगरी से यहाँ से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल टीआरएस, इसमें अगर बात करें यहाँ से भी कट ऑफ यहाँ देख लिए, यह मेन पैनल है, ये लास्ट पैनल है। उसके बाद यहाँ पर एक्सरबेसमान देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ एनएसी सीट चला गया है सभी का। 54 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से, बाद में कोई भी इसमें डिमांड नहीं भेजा गया है, सिर्फ मेन पैनल से ही इसको भरा गया है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 57 नंबर कैटेगरी की टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ईएमयू, इसमें भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कट ऑफ की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लमसम कट ऑफ है, यहाँ पर 53.65 है और ओबीसी का देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी यूआर का कट ऑफ यहाँ पर, ये लास्ट पैनल का कट ऑफ है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 59 नंबर कैटेगरी में देखेंगे यहाँ से 48 यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें भी यहाँ पर कट ऑफ ओबीसी का कट ऑफ देख लीजिए 48.91 है और यहाँ पर देख लीजिए 48.42, यानी इसमें भी कट ऑफ देखिए ओबीसी के कट ऑफ की तुलना में यहाँ पर जनरल का कट ऑफ इसमें कम हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए 48.42 और यहाँ पर 48.91, यानी इसमें भी ओबीसी के कट ऑफ से यहाँ पर ओबीसी इसमें यूआर का कट ऑफ इसमें काफ़ी कम हुआ है पॉइंट में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 60 नंबर में देख लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड थल फिटर में, इसमें भी अगर बात करें यहाँ से, तो बाद में इसमें ये एससी एसटी का इसमें कोई भी डिमांड नहीं है, बाद में इसे ये एडिशनल रिप्लेसमेंट में ओबीसी और एससी इसमें यूआर का इसमें डिमांड हुआ है। उसके बाद 61 नंबर कैटेगरी की बात करें यहाँ से टेक इंजीनियरिंग वर्कशॉप में, इसमें यहाँ पर इसमें मेन पैनल से ही इसको भरा गया है, बाद में कोई एडिशनल रिप्लेसमेंट में डिमांड नहीं भेजा गया है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए 61 नंबर कैटेगरी की बात करें यहाँ से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर,
इसमें अगर बात करें यहाँ से, इसमें भी लास्ट में कोई पैनल नहीं जारी किया गया है एडिशनल रिप्लेसमेंट में, सिर्फ ये मेन पैनल से इसको भरा गया है। उसके बाद 62 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से, यहाँ पर देखिए लास्ट में लास्ट पैनल जो है ये OBC और ST का, इसमें एडिशनल रिप्लेसमेंट में डिमांड हुआ था, इसमें जनरल का डिमांड नहीं हुआ था फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर जनरल और ST का, और यहाँ पर देखेंगे 63 नंबर कैटेगरी में या टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर, इसमें मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट CLW में, इसमें देखिए CLW इसमें कोई भी डिमांड इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ OBC का ही, सॉरी यहाँ पर UR का ही सिर्फ डिमांड है। उसके बाद यहाँ पर SC ST OBC में कोई भी डिमांड इसमें नहीं भेजा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लास्ट पैनल का कट ऑफ है। और 64 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर वर्कशॉप में इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप या ईस्टर्न से, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें भी यहाँ पर लास्ट पैनल का कट ऑफ है, यहाँ पर मिला लीजिएगा, और यहाँ पर ये मेन पैनल का ये कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद 66 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर वर्कशॉप में मैकेनिकल वर्कशॉप में, इसमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये लास्ट कट ऑफ है SC ST OBC, यहाँ पर UR SC ST OBC, उसके बाद यहाँ पर ये मेन पैनल का इसमें दिया गया है। उसके बाद 66 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से फिटर वर्कशॉप से, यहाँ से SCR से, इसमें भी बाद में कोई डिमांड नहीं दिया गया है एडिशनल रिप्लेसमेंट से, सिर्फ मेन पैनल से इसको ही भरा गया है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 67 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ पर SNT वर्कशॉप में, इसमें ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर वर्कशॉप में, यहाँ पर बाद में इसमें कोई भी इसमें डिमांड नहीं भेजा गया है, ये सिर्फ मेन पैनल से ही इसको इसमें भरा गया है फ्रेंड्स। उसके 79 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें, इसमें भी मेन पैनल से भरा गया है UR और OBC को, और उसके बाद यहाँ पर बाद में कोई भी यहाँ पर डिमांड इसका नहीं भेजा गया है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ से 79 नंबर यहाँ पर SCR से, यहाँ से भी बाद में कोई भी डिमांड नहीं है, ये मेन पैनल यहाँ पर देखिए कट ऑफ दिया गया है। 81 नंबर भी यहाँ पर बाद में कोई डिमांड नहीं है, ये मेन पैनल से इसे भरा गया है। उसके बाद यहाँ पर 82 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें, यहाँ से भी बाद में कोई भी डिमांड नहीं गया है एडिशनल रिप्लेसमेंट से, उसके बाद यहाँ पर मेन पैनल का यहाँ पर कटअप जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर 84 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें या लास्ट पैनल में, यहाँ पर देख लीजिए ये OBC का यहाँ पर डिमांड और ये UR SC का इसमें डिमांड है, यहाँ पर लास्ट पैनल का ये कटअप है, मिला लीजिएगा। उसके बाद 84 नंबर कैटेगरी SCR से यहाँ से बात करें तो यहाँ से लास्ट में कोई भी एडिशनल रिप्लेसमेंट इसमें डिमांड नहीं है, और ये लास्ट ये सिर्फ मेन पैनल से ही इसको भरा गया है। उसके बाद यहाँ पर बात करें नीचे 86 नंबर कैटेगरी से, यहाँ से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड मेंशन इसमें बात करें यहाँ से, देखिए बहुत ही मिनिमम कट ऑफ है फ्रेंड्स, यहाँ पर 32.35 या उसके बाद यहाँ पर UR का कट ऑफ, SC ST यहाँ पर देख लिए, SC ST का कैंडिडेट ही नहीं मिला इसको, यहाँ पर NEC चला गया सीट। उसके बाद 88 नंबर कैटेगरी की बात करें, सारा सीट यहाँ पर NEC चला गया, SC ST OBC UR सभी का यहाँ पर, और यहाँ पर देख लीजिए कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है मेन पैनल से ही इसको। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 90 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें ऐसे, यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन यूनिट CLW से, यहाँ पर देख लीजिए आप, सिर्फ UR का ही डिमांड था मेन पैनल से ही, उसके बाद यहाँ पर बाद में कोई भी पैनल यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। उसके बाद 96 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर देख लीजिए NEC सीट चला गया है। उसके बाद यहाँ पर बाद में ये ST का कोई डिमांड नहीं है, लेकिन ये पहले इसमें NEC सीट चला गया है। उसके बाद 100 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से जनरल ट्रांसपोर्ट ERM, इसमें यहाँ पर सारा सीट यहाँ से मेन पैनल से ही यहाँ पर NEC चला गया है, कोई भी कैंडिडेट इसको एलिजिबल नहीं मिला है। उसके बाद 104 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड मल्टी स्किल फिटर, इसमें अगर बात करें यहाँ से मेन पैनल से इसको भरा गया है, बाद में कोई भी डिमांड या इसमें पैनल नहीं जारी किया गया है एडिशनल रिप्लेसमेंट के तहत। यहाँ पर एक सर्विसमैन का देखिए, यहाँ पर NEC चला गया सीट, नहीं मिला है कैंडिडेट। उसके बाद 106 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें जैसे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पेंटर, इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल TRS ERS, इसमें देखिए यहाँ पर मेन पैनल में भी देखिए यहाँ पर NEC सीट चला गया है। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी लास्ट में यहाँ पर NEC गया है। उसके बाद 108 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पेंटर, इसमें ER से यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी सारा सीट NEC चला गया है मेन पैनल से ही, कोई भी इसमें कैंडिडेट इसको नहीं मिला है। उसके बाद 108 नंबर SCR से यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी सीट सारा सीट NEC चला गया है, कोई भी इसमें कैंडिडेट इसको एलिजिबल नहीं मिला है। 109 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पेंटर मैकेनिकल कैरी एंड वैगन ER, इसमें अगर बात करें यहाँ पर ये UR SC यहाँ पर ST का इसमें डिमांड हुआ था पहले, लेकिन इसको बाद में फिर नहीं गया है डिमांड। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सीट सारा सीट NEC चला गया है OBC का, और यहाँ पर भी देख लीजिए OBC का सीट NEC चला गया है, यहाँ भी NEC का चला गया है, और ये 109 नंबर कैटेगरी में, और यहाँ UR में भी यहाँ NEC चला गया है।
उसके बाद 111 नंबर कटेरी के बाद टेक्नीशियन गेट था पेंटर, इसमें प्रोडक्शन यूनिट CLW, इसमें भी यहाँ पर UR का ही डिमांड था सिर्फ फ्रेंड्स। यहाँ पर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर NEC सीट चला गया है, सॉरी ये UR का इसमें कैंडिडेट मिला ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इन सारे के बाद में कोई डिमांड नहीं किया गया है। उसके बाद 113 नंबर में भी यहाँ पर UR का कोई कैंडिडेट नहीं मिला है और बाद में इस सब का कोई भी डिमांड नहीं किया गया है SC ST OBC का। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 115 नंबर कटेरी कर बात करें यहाँ से टेक्नीशियन गेट था पेंटर में, इसमें UR का इसमें यहाँ पर देखिए बाद में कोई पैनल नहीं जारी हुआ है और यहाँ OBC का भी यहाँ पर बाद में कोई भी एडिशनल रिप्लेसमेंट से कोई पैनल नहीं जारी हुआ है और ये SC ST का सीट यहाँ पर NEC चला गया है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ये मैन पैनल से यहाँ कट ऑफ देख लीजिए आप, यहाँ पर 36 मिनिमम कट ऑफ। यहाँ पर 115 नंबर कटेरी कर बात करें यहाँ से भी सीट NEC चला गया है सारा, कोई भी सीट यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट इसको नहीं मिला है। उसके बाद 121 नंबर कटेरी कर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड प्लम्बर पाइप फिटर में, इसमें भी अगर बात करें यहाँ बाद में कोई भी डिमांड नहीं गया है, ये सिर्फ मैन पैनल से ही इसको भरा गया है। उसके बाद 127 नंबर कटेगरी कर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड प्लम्बर ऑपरेटर, इसमें भी यहाँ पर देख लीजिए आप ये सीट NEC चला गया है OBC का और SC और ST का, इसमें UR में इसमें डिमांड बाद में नहीं गया है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर मैन पैनल से ही OBC का कैंडिडेट नहीं मिला है। 126 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज CR, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भी देख लीजिए आप कट ऑफ इसमें अच्छा खासा इसमें डिक्रीज हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लीजिए आप 126 नंबर कैटेगरी का यहाँ आप मिलाइएगा कट ऑफ को, तो यहाँ पर देख लीजिए OBC का यहाँ का कट ऑफ है 55.55 और यहाँ पर जनरल का कट ऑफ देख लीजिए 52.46, यानी इसमें भी यहाँ पर बहुत ही कट ऑफ डिक्रीज हुआ है यहाँ OBC की तुलना में UR का। यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही अच्छा खासा संख्या है, यहाँ पर देख लीजिए आप मिला सकते हैं इसको या 52 और यहाँ पर 55, यहाँ पर इसमें भी कट ऑफ इसमें डिक्रीज हुआ है क्योंकि इसका डिमांड बाद में UR से ज़्यादा गया था और OBC का इसमें डिमांड बाद में नहीं गया था फ्रेंड्स, इसीलिए इसके कारण यहाँ से UR का OBC का कैंडिडेट भी वहाँ पर UR में फाइट किया और वहाँ पर उसका कट ऑफ अच्छा खासा डिक्रीज हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए 126 नंबर SCR से, इसमें भी अगर बात करें यहाँ से इसका लास्ट पैनल यहाँ पर देख लीजिए लास्ट पैनल है मेन पैनल है ये, इसका भी कट ऑफ मिला लीजिएगा। 129 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से बाद में कोई भी एडिशनल रिप्लेसमेंट पैनल इसमें पैनल जारी नहीं किया गया है, सिर्फ इसमें मेन पैनल से इसमें भरा गया कैंडिडेट को। उसके बाद 131 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड रिगार से, इसमें यहाँ अगर बात करें यहाँ से OBC का कट ऑफ देख लीजिए यहाँ पर 47.37 है और यहाँ पर 49.42 है ये इसका जनरल का कट ऑफ और ये मेन पैनल है यहाँ पर लास्ट पैनल है जो जारी हुआ है, ये लास्ट पैनल यानी 131 का इतना कट ऑफ यहाँ पर डाउन होके हुआ है। उसके बाद देख लीजिए 134 नंबर कैटेगरी एक सिग्नल डिपार्टमेंट को अगर बात करें यहाँ से, इसका अच्छा खासा यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आप देख लीजिए कट ऑफ इसका मिला लीजिएगा, ये लास्ट पैनल है ये मेन पैनल है तो इसमें बहुत ही कम डिक्रीज हुआ है लास्ट पैनल और मेन पैनल की तुलना में। तो इसमें 136 नंबर इसमें SNT टेलीकम्युनिकेशन में अगर बात करें इसमें भी यहाँ पर देख लीजिए UR का और यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर OBC का इसमें जारी किया गया है। और उसके बाद 136 नंबर कैटेगरी यहाँ पर मेट्रो में अगर बात टेलीकम्युनिकेशन में, तो इसमें भी यहाँ पर सिर्फ OBC का डिमांड गया था UR का, उसके बाद में OBC SC ST का कोई भी इसमें डिमांड नहीं गया था फ्रेंड्स। उसके बाद 136 नंबर SCR से अगर बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर देख लीजिए ये एक सर्विस मैन को ये अलॉटेड कर दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए आप ये सीट 136 नंबर यहाँ पर दिया गया है एडजस्ट अगेंस्ट एक्स सर्विस मैन, इसको यहाँ पर किया गया है एडजस्ट। उसके बाद 138 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें इसमें सारा सीट NEC चला गया है, कोई भी कैंडिडेट इसको एलिजिबल नहीं मिला है। उसके बाद 139 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से UR से, यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर UR का NEC चला गया है लास्ट पैनल मैन पैनल से ही। उसके बाद OBC और SST का बाद में कोई भी डिमांड इसमें नहीं किया गया है इसमें एडिशनल रिप्लेसमेंट के तहत। उसके बाद 139 नंबर SCR से अगर देखेंगे तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए NEC सीट चला गया है OBC का, यहाँ पर कोई भी इसको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला है। उसके बाद 140 नंबर कैटेगरी की बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड टर्नर से, यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड्स कि लास्ट में कोई भी डिमांड नहीं गया है और यहाँ पर मेन पैनल से ही इसको भरा है, उसके बाद कोई भी डिमांड नहीं गया है फ्रेंड्स। उसके बाद 142 नंबर कैटेगरी की बात करें यहाँ से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड टर्नर से, यहाँ से भी अगर बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट CLW से है या फिर को PWD में इसको एडजस्ट कर दिया गया है, ये PWD को इसमें ये UR का कैंडिडेट इसमें
यूआर को ये अलॉट कर दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये सीट यूआर को दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये एससी का ये कट ऑफ है, उसके बाद ओबीसी और इसका एसटी का कोई भी इसमें डिमांड नहीं भेजा गया था। बाद में 146 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें इंजीनियरिंग ब्रिज, इसमें भी ओबीसी का कट ऑफ देख लीजिए बहुत ही मिनिमम है 37.25। और उसके बाद यहाँ पर ये मैन पैनल का कट ऑफ है। और 149 नंबर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ से, इसका भी देख लीजिए इस सब सारी कैटेगरी का, इस सब वेल्डर का है ये देख लीजिए, बहुत ही मिनिमम कट ऑफ है इस सब का। वेल्डर का कैंडिडेट सब उतना मिलता नहीं है, इसीलिए सबका कट ऑफ यहाँ पर बहुत ही इसमें कट बहुत ही कम कट ऑफ यहाँ पर इसको इनपेनलाइटिस को कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 149 नंबर कैटेगरी में, 49 नंबर कैटेगरी में 149 में एससीआर से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी कट ऑफ इसका बहुत अच्छा खासा कम है। यहाँ पर देख सकते हैं मेन पैनल का ये है, लास्ट पैनल ये है। उसके बाद यहाँ पर 151 नंबर कैटेगरी की बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कट ऑफ इसमें इतना इतना है। ये लास्ट पैनल है, उसके बाद ये मेन पैनल है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 155 नंबर कैटेगरी में टेक्नीशियन ग्रेड थर वेल्डर वर्कशॉप, इसमें भी देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये बाद में ये जनरल का इसमें डिमांड नहीं किया था, और यहाँ पर एसटी का इसमें डिमांड नहीं किया था। ओबीसी का कट ऑफ देख लीजिए बहुत ही मिनिमम कट ऑफ हो गया है 155 नंबर कैटेगरी का वेल्डर का। उसके बाद 155 में देखेंगे यहाँ पर एससीआर से, यहाँ पर भी देखेंगे कि इसमें कट ऑफ इतना है, ये लास्ट मेन पैनल है, इसमें बाद में कोई भी डिमांड नहीं भेजा गया है। और एक यहाँ पर एसटी का इसमें एनसी सीट चला गया है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एनसी यानी यहाँ देख लीजिए आप इसका नो एलिजिबल कैंडिडेट एट प्रेजेंट, यानी कोई प्रेजेंट इसमें कैंडिडेट नहीं हुआ है, इसीलिए सब सारा सीट यहाँ पर एनसी चला गया है फ्रेंड, इसको कोई भी इसको नहीं मिला है कैंडिडेट। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर डेट आज का ही है 26/9/2022, कुछ देर पहले ही अपडेट हुआ है फ्रेंड्स। बहुत ही प्रेशर के बाद ये कट ऑफ जारी किया है आरआरबी कोलकाता ने, कैंडिडेट के प्रेशर के बाद ही ये, इसीलिए हम सभी को एक बार प्रेशर फिर से ईस्टर्न रेलवे पर भरना चाहिए, और आगे के प्लान के लिए सभी कैंडिडेट तैयार रहें और सभी एक्टिव रहे कैंडिडेट, जितने भी मेंबर हैं वेटिंग कैंडिडेट टेक्नीशियन के वो, और आगे भी इसी तरह कुछ अगर अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।